नमस्कार दोस्तों, आज मैं स्टूडियो पे 2019 TVS Wego की रियल लाइफ रिव्यू करने वाला हूं। दोस्तों आपको बताऊंगा 2019 Wego में क्या क्या चेंजेस किया गया है और नया वाला Wego आपके लिए कैसा है। तो देर क्यों, चलिए शुरू करते हैं ये वीडियो। दोस्तों लाल बटन को दबाइए और ऑटो एक्सप्लेन चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बगल वाले बेल आइकन को छोड़ना मत, उसको भी एक बार दबाई लीजिए, क्योंकि आपको पता चले कि ऑटो एक्सप्लेन के ऊपर एक वीडियो आया है। दोस्तों ये है 2019 TVS की Wego। दोस्तों इस स्कूटी का प्राइस है 54,000 रुपीज एक शोरूम दिल्ली। बात करेंगे इस स्कूटी की डायमेंशन के बारे में। इस स्कूटी का लेंथ है 1834 mm और वेड़ है 640 mm और हाइट है 111.5 mm है। दोस्तों बात करेंगे इस स्कूटी की हेडलैम्प के बारे में। दोस्तों इस स्कूटी के अंदर 12 वोल्ट का बल्ब मिलता है और कन्वेंशनल हेडलैम्प दिया गया है इस स्कूटी के अंदर। रेड कलर में ये हेडलैम्प काफी अट्रैक्टिव दिख रहा है। उसके साथ ही वी शेप्ड डिजाइनिंग दिया है हेडलैम्प के अंदर, दिखने में थोड़ा सा अट्रैक्टिव दिखने के लिए। और ये है इसकी मिरर। और यहाँ पे आप देख सकते हो दोनों साइड पे दो इंडिकेटर दिया गया है। और इसका जो डिजाइन है काफी अट्रैक्टिव है, क्योंकि ये काफी ऊपर नीचे खींच चुका है, इसके वजह से इसका जो डिजाइनिंग है वो काफी लंबे तक आता है और पूरी तरह से इसकी जो कवर है वो कवर करती है। और इस साइड भी आप देख सकते हो काफी अट्रैक्टिव और काफी स्पॉटी दिखता है। और बॉडी बैलेंस्ड टेक्नोलॉजी इसके अंदर यूज किया गया है। और ये है Wego का स्टिकर, 110cc का बाइक है, सॉरी स्कूटी है। बात करेंगे इसकी व्हील की, तो इस स्कूटी के अंदर 12 इंच व्हील दिया गया है। उसके साथ ही 130 mm डाई होने वाला ड्रम ब्रेक है। आगे टेलीस्कोपिक सस्पेंशन इसके अंदर दिया गया है और सिंक बैलेंसिंग सिस्टम की स्टिकर दिया गया है। ये सिंक बैलेंसिंग सिस्टम टेक्नोलॉजी के साथ आती है, जब आप पीछे का ब्रेक पकड़ते हो तो ऑटोमेटिकली ये भी आगे का ब्रेक पकड़ के स्कूटी को कंट्रोल में लाने में पूरी तरह से मदद करता है। व्हील के ऊपर भी स्टिकर्स दिया गया है Wego में। और ये है टेलीस्कोपिक सस्पेंशन, इसके अंदर ट्यूबलेस रेडियल टायर दिया गया है। और ये है साइड की स्टिकर्स, रेड कलर हाईलाइट के साथ आती है। ओवरऑल इस स्कूटी की साइड प्रोफाइल कुछ ऐसा है। पहले Wego काफी सेल होता था और अब भी इसका जो सेल ठीक ठाक सेल होता है मंथली। और पीछे का लुक है और बड़ा सा Wego का स्टिकर दिया गया है। 110cc का बैज भी उसके अंदर इंप्लीमेंट किया गया है और सिल्वर कलर की ग्रैब हैंडल है Wego में। और बाहर ही आप फ्यूल भर सकते हो, फ्यूल लीड बाहर दिया गया है। और ये है लेडीज के लिए फुटरेस्ट है। और ये है 110cc का इंजन, देती है 8 bhp का पावर और 8 nm का टॉर्क देता है। सिंगल सिलेंडर इंजन है, सीवीटी ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन के साथ आती है। और दोस्तों जो रियर व्हील की बात करें तो रियर व्हील भी 12 इंच का है, रेडियल ट्यूबलेस टायर के साथ आती है। रियर आपको हाइड्रोलिक सस्पेंशन दिया गया है, आप देख सकते हो ये जो सस्पेंशन है वो हाइड्रोलिक है। और आगे टेलीस्कोपिक दिया गया है। और बात करेंगे पीछे टेल लैंप की, तो आप देख सकते हो काफी वाइड टेल लैंप Wego में दिया गया है। और इसके अंदर आपको तीन कलर देखने को मिलता है, ये रेड है और ये बगल वाला इंडिकेटर है दोनों साइड पे। और ये है इस स्कूटी की रिफ्लेक्टर। और ये है इस स्कूटी का एग्जॉस्ट विद क्रोम हाईलाइट के साथ प्रोटेक्टर दिया गया है।
और यहाँ पे लिखा है CVTI। ये प्रोटेक्टर जब आप साइलेंसर बहुत हीट होता है तो उस हीट को बचाने के लिए प्रोटेक्टर होता है। और ये है इंजन को कूल करने के लिए फैन है। और ये है रियर व्हील। स्कूटी के अंदर जो बेल्ट होता है, सारे स्कूटी के अंदर बेल्ट होता है, चैन नहीं होती है। और दोस्तों बात करेंगे इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की, तो कुछ ऐसा इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर दिया गया है, आप देख सकते हो। ये है वीगो की। चलो मैं इसको अंदर डाल लेता हूं और हम देखेंगे इस स्कूटी की इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर। और ये है इस स्कूटी का इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर। ये सपोर्ट करती है ऑडोमीटर, ट्रिप मीटर, फ्यूल गेज। और इस स्कूटी का स्टॉप स्पीड है 140 किलोमीटर पर हवर। और ये डिजिटल एनालॉग इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है, एनालॉग नहीं है, ये पूरी तरह से डिजिटल है। और साइड पे आप देख सकते हो कई सारे इंडिकेटर्स वगैरह दिया गया है। और यहाँ पे लिखा है डू नॉट एक्सलेट, एक्सलेट लिखा है। और इसके अंदर दो मोड भी मिलता है, इको मोड और पावर मोड। और ये है पीछे का ब्रेक, ये सेंट्रल ब्रेक सिस्टम के साथ आती है। और हाई बीम और लो बीम और इम्प्लीमेंटेड पास इसके अंदर दिया गया है। और आप देख सकते हो ये जो पास है, जब आप लो बीम करके और प्रेस करते हो तो पास हो जाती है। और ये है इंडिकेटर, और ये है हॉर्न है। और इस साइड पे पावर स्टार्टर दिया गया है वीगो का। और इसके अंदर पावर स्टार्टर और किक स्टार्ट दोनों ऑप्शन भी दिया गया है। और ये है चौक है, जब बाइक स्कूटी ठंडी में है तो चौक लगा के स्टार्ट कीजिए, जल्दी स्टार्ट होता है। ये है फिक्स्ड हुक दिया गया है, यहाँ पे आप प्रोडक्ट को टांग के ला सकते हो। और यहाँ पे हुक नहीं दिया गया है। उसके साथ ही यहाँ पे ब्लैक कलर की एलिमेंट दिया गया है, थोड़ा सा अट्रैक्टिव दिखने के लिए। और ये है आर्मरेस्ट। चलिए दोस्तों बूट ओपन करेंगे, बूट ओपन करके देखेंगे कितने लीटर की बूट स्पेस इसके अंदर दिया गया है। दोस्तों इसके अंदर लगभग 70 लीटर की बूट स्पेस है। और अंदर आपको यूएसबी का पोर्ट मिलता है मोबाइल को चार्जिंग करने के लिए। और फ्यूल लीड बाहर मिलता है, आपको पहले ही मैंने बता चुका हूं। और दोस्तों इस स्कूटी के अंदर टोटल 5 लीटर का फ्यूल भर सकते हो। और दोस्तों इस स्कूटी के अंदर जो बॉडी बैलेंस्ड टेक्नोलॉजी दिया गया है, और ये जो डिजाइन किया गया है जो दो लोगों को बिठाने के लिए, उसके साथ ही जो इसका जो सेंटर ऑफ द जो मास है वो पूरी तरह से सेंटर है। और जो ब्रेक का कॉम्बिनेशन है पूरी तरह से सेंट्रलाइज्ड किया है। और टर्निंग करते वक्त ये बाइक पूरी तरह से आपको कंट्रोल में रहता है, क्योंकि इसके बॉडी बैलेंस टेक्नोलॉजी इसके अंदर यूज किया गया है। उसके साथ ही और जो आप लेफ्ट राइट टर्न करके जब आप रैपिडली ओवरटेक वगैरह करते हो उस वक्त आपको काफी कंट्रोल में रहता है, क्योंकि इस स्कूटी का जो डिजाइनिंग है वो बॉडी बैलेंस टेक्नोलॉजी के साथ किया गया है। दोस्तों ये तो छोटा सा अपडेट आपके साथ शेयर करने का मन किया। क्या आपको ये वीडियो पसंद है? पसंद है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। अभी तक आपने ऑटो एक्सप्लेन यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो तुरंत ही सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर मिलेंगे एक मसालादार एपिसोड में। गुड बाय।